इट्स सिम्बुम हेपकिडो चैंप कैंप 2023। अगर आपने VVIP को देखा होगा, किसी राष्ट्र अध्यक्ष को देखा होगा, तो उसके पीछे जो कमांडो रहते हैं, जो पुलिस फोर्स रहते हैं, उनको वह ट्रेनिंग दिया जाता है। और वह ट्रेनिंग उस समय दिया जाता है जब उनकी बॉडी पूरी तरह बन चुके होते हैं और उनको वह फुर्ती डाला जाता है। लेकिन मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, हम चाहेंगे कैमरामैन से कि वह छोटे बच्चे को जरूर दिखाए जिसको वह ट्रेनिंग दिया जा रहा है इतने बड़े कैंप में। यह एक स्पेशल ट्रेनिंग है और इसको लाने के लिए हमें लगता है कि भारत देश में बहुत अच्छा इसका स्कोप है। और सबसे अच्छी कि वह बच्ची जो लेडीज़ है उनको यह सीखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लेडीज़ को सब टारगेट करते हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। राजेश प्रसाद जो फाउंडर है हमारे साथ, उस यह टीम है और इन लोग का जो उम्र है लड़का लोग का, आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि इन लोग अगर फुल फाइट में अगर अपना स्किल दिखाए तो 100-100 लड़का ऊपर भारी होता है। आप वह विजुअल में देखिएगा इन लोग का पोज, तो आपको दंग रह जाइएगा। या वह ट्रेनिंग है, वह विधि है जिसको आप ट्रेनिंग करके आप आराम से कोई भी किसी का स्पेशल कमांडो बन सकते हैं। आप भी SPG, गरुड़ कमांडो, NSG जैसे आपके पास फुर्ती रहेगा और आपको यह विश्वास रहेगा कि आप अपनी रक्षा, अपनी परिवार की रक्षा और ज़रूरत पड़ने में आप किसी को भी बचा सकते। उसी का ट्रेनिंग है। और इससे और जानने की कोशिश करते कि हेपकिडो, हम लोग को भी जानने में पहला बार लग रहा है कि ये क्या शब्द है और कहाँ से आया है, और जमशेदपुर में आप लोग कब से इसको स्टार्ट किए हैं? ये साउथ कोरियन मार्शल आर्ट्स है, जो कि ये सबसे पहले हमारा इंडिया में 2000 में आया था और जो अजय टोडांगर लाए थे, और ये झारखंड में लाने वाले हमारे मास्टर राजेश प्रसाद हैं, जो कि 2013 में लेकर के आए थे, जो कि हमारे राजेश प्रसाद जो हैं अभी हमारे बीच नहीं रहे, इसी साल उनका देहांत हो गया 10वीं के दिन, जो हम लोग अभी अपने आप को उस तरह से उनके काबिल बनाने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। और उनका जो ड्रीम था कि ये छोटे छोटे बच्चे से लेकर ये झारखंड में, झारखंड के अलावा भी अगर हम लोगों को कहीं और मौका मिले तो ये हम लोग हेपकिडो को वहाँ तक पहुँचाएँ, और जैसा हो सके हम लोग, कोई गरीब बच्चे भी हैं तो हम लोग जिस तरीके से भी प्रशिक्षण बच्चे के तक दें, पैसे लेकर दें, या इनकम भी ज़रूरी है, बच्चे यदि नहीं सीख पा रहे हैं तो हम लोग उनको फ्री में भी ट्रेनिंग देकर ये प्रशिक्षण उनको दें और वो भी इसी तरह से आगे इस मार्शल आर्ट्स को लेकर जाएँ। अच्छा, इसमें टेक्निक तो हमें लगता है कि वो जूडो का कमांडो जैसे ही ट्रेनिंग है, लेकिन इसका स्कोप स्पोर्ट्स में भी है क्या? हाँ, स्पोर्ट में भी है, बट ये है हेपकिडो है पहले सेल्फ डिफेंस, ये में ही है स्पोर्ट में, ये गेम ये नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर तक है। अमित जी, बहुत अच्छा आपका फोटोग्राफ और बॉडी स्ट्रक्चर जैसे लग रहा है कि मतलब इतना अंदर में काबिलियत है कि किसी को भी आप दिखा सकते, तो क्या इसका स्पोर्ट्स में इंडिया में क्या स्कोप है, और क्या इंडिया में कहाँ कहाँ कौन कौन स्टेट इसमें मेडल लेके आए, नेशनल मेडल? नेशनल में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नेशनल एक बार स्टेडियम में हो चुका है, दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, जूनियर वेट कैटेगरी, सब जूनियर, सीनियर, और काफ़ी बच्चे मेडल ला चुके हैं, गोल्ड मेडल वगैरह ला चुके हैं। और यही हमारे बीच विष्णु है, और बगल में हमारा प्लेयर है जो ऑलरेडी गोल्ड मेडल ला चुका है चैंपियनशिप वगैरह में। और जैसे आपकी बताए कि इंडिया में मार्शल आर्ट या फिर हेपकिडो का क्या कंडीशन, एक्चुअली क्या है कि इंडिया में बाकी सब चीज़ों पे बहुत अच्छा से ध्यान दिया जाता है, लेकिन एक मार्शल आर्ट ही एक ऐसा फील्ड है जो बहुत सारे इसको उतना ध्यान नहीं देते, नज़रअंदाज करके चल जाते हैं। लेकिन
आज के टाइम जैसा जनरेशन चल रहा, मैं चाहूँगा कि जितने भी गर्ल्स हैं, छोटे बच्चे हैं, सबको किसी भी मार्शल आर्ट में जुड़े रहना चाहिए। इससे सबसे पहली बात है कि पहला तो आज का जो जनरेशन है, खान पान जो चल रहा है, सभी का फिजिकल फिटनेस पहले जैसा रहा करता तो वैसा नहीं चल रहा। अगर वो कोई भी स्पोर्ट्स में जुड़े रहे तो उनका फिजिकली फिटनेस बना रहेगा, और स्पोर्ट के बीच में भी अगर उनका चुनना पड़े तो वो कोई भी मार्शल आर्ट को चुने, और मार्शल आर्ट के बीच में भी अगर उनके पास ऑप्शन है तो हैप्पीडो जुड़े रहे, और मार्शल आर्ट में जुड़ के वो अपना फिजिकली फिटनेस बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट होता है, ABC ऐसे कुछ सर्टिफिकेट? बेल्ट वाइज सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि मार्शल आर्ट में सबसे पहले बच्चों को स्टार्टिंग में व्हाइट बेल्ट दिया जाता है, उसके बाद एग्जाम वगैरह होती है, एग्जाम में येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, और जो फाइनल बेल्ट होता है हम लोग उसको बोलते हैं ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डन। तो इन सभी तरीके के टाइम ड्यूरेशन पे एक होता है, 4 महीने 6 महीने 8 महीने पे ऐसे बच्चों की एग्जाम होती है और उनको एसोसिएशन की तरफ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जूडो का राकेश जी से, इनका गेटअप देखिए तो पहला बार रेड बेल्ट, लेकिन ये पहला बार गेटअप में देखे हैं, और क्या बोलना चाहेंगे इसमें? अगर कोई करियर बनाना चाहता है, मेडल बनाना चाहता है, जॉब लेना चाहता है तो क्या स्कोप है? सर इसमें एक्चुअली मार्शल आर्ट भी एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोग युवा लोग को बहुत ज़्यादा करियर इसमें प्रोवाइड कर पाते हैं, बिकॉज इसमें अगर हम लोग अच्छा ट्रेनिंग ले ले तो इसके थ्रू हम लोग बच्चों को सिखाते हुए बहुत सारे स्कूल्स वगैरह, कॉलेज वगैरह या अलग से प्राइवेट एकेडमी वगैरह इसमें भी सिखा के हम लोग बहुत सारे इसमें इनकम कर सकते हैं युवाओं के लिए। और साथ ही साथ गर्ल्स तो बहुत जरूरी है महात्मा, जैसे कि हमारे बीच ये जो प्लेयर है खड़ी है सलमा सोरेन, ये 6 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हो चुकी है, 3 बार नेशनल्स, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, हर जगह। तो गर्ल्स के लिए भी इसमें बहुत सारा अवसर है कि वो भी आगे जाके सीखे और बाकी महिला को भी प्रशिक्षण दे सके, ताकि उनका भी इनकम आत्मनिर्भर जैसा बना रहे और साथ ही साथ बाकी को भी ये करा सके, सिखा सके। तो मैं तो चाहूँगा सारे महिला को भी इसमें भागीदारी बनना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है, ना ही सिर्फ बच्चों के लिए, ये हमारे बुजुर्ग भी सीख सकते हैं। कुछ ऐसा भी तकनीक है जो इसमें बुजुर्ग भी कर सकते हैं, महिलाओं भी कर सकते हैं और छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि सभी को ही सीखे, ये हैप्पीडो का ऐसा मार्शल आर्ट जो सभी के लिए मॉडलाइज है। अच्छा, सभी के लिए। अच्छा आइए सलमा जी, थोड़ा बात करते हैं। कितना जरूरी है एक लेडीज के लिए, आज का समय में लेडीज को हर समय जाना पड़ रहा है जॉब में, ट्यूशन में, तो सेल्फ डिफेंस के लिए कितना महत्वपूर्ण है? आज के समय में सारे लड़कियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आजकल के जनरेशन में देखा जा रहा है कि कहीं भी इतनी सारी घटनाएं हो रही है, तो उसके लिए हम, मैं सारे लड़कियों के लिए मैं बोलूँगी कि सबको ही को मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, क्योंकि ये खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है। देखिए सेल्फ डिफेंस सिर्फ अपने शरीर को बचाने के लिए नहीं है, बहुत जन के आप लाइफ को बचा सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें आप अपने बॉडी को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, इसमें नेशनल इंटरनेशनल मेडल ले सकते हैं, और यह फील्ड बहुत अधिक ब्लाइंड है, मतलब कि इसमें अगर आप मेहनत करेंगे, कंपटीशन कम है, और इसमें बहुत अधिक मेडल ले सकते हैं, और इसका सहयोग जाता है इस यंग टीम के ऊपर में जिन्होंने अपनी लाइफ का 12-13 साल इसमें बिता चुके हैं। हैप्पीडो या भारत के लिए वरदान है, उस यंगस्टर के लिए वरदान है, उस लड़की के लिए वरदान है कि जो अपनी माँ बाप को, अपनी भाई को, अपनी पिता को, अपनी गार्जियन को, अपनी शिक्षक को यह बोल सकेगा कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए, मैं जा रहा हूँ, जहीं भी जा रही हूँ, मैं मेरे को छूने के लिए उस व्यक्ति को 10 बार सोचना पड़ेगा। या हैप्पीडो है या तो न्यूज में आपको थोड़ा सा ही पार्ट है, लेकिन ये सब टीम है, आप इनसे कंसल्ट करके, इनसे फ़ोन नंबर लेकर, मेरे चैनल में इनका फ़ोन नंबर ज़रूर देगा। आप इनसे बात कर सकते हो, और इसका जहाँ जहाँ ट्रेनिंग हो रहा है, चाहे रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, और हमारे जमशेदपुर में टाटा स्टील अर्बन सर्विस के माध्यम से, या कदमा रामदास भट्टा में हो रहा है, 2 दिन का कैंप है, इस कैंप में आकर आप जरूर देखिए। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।